प्रेसिडेंट बाइडेन मुझे डेलावेयर में अपने घर ले गए थे। उनकी आत्मीयता, उनकी गर्मजोशी मेरे लिए दिल छू लेने वाला मोमेंट रहा। मेरे तीसरे कार्यकाल के शुरुआत में ही क्वाड समिट में मित्रों के साथ भाग लेते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। मिस्टर प्रेसिडेंट, विल द क्वाड सर्वाइव बियॉन्ड द इलेक्शन इन नवंबर? The Quad, will it survive regardless of the outcome? Our message is clear. Quad is here to stay, to assist, to partner, and to complement. India's vision is One Earth, One Health. इसी भावना से मैं Quad Moonshot Initiative के तहत 7.5 million dollar के sampling kits, detection kits और वैक्सीन का सहयोग देने की घोषणा करता हूं। डेमोक्रेटिक वैल्यूज और टेक्नोलॉजी का मिलना मानव कल्याण की गारंटी देता है और भारत एक देश है जिसके पास टैलेंट भी है, डेमोक्रेसी भी है, मार्केट भी है और ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी रेयर होती है जो आज भारत के पास उपलब्ध है। प्राइम मिनिस्टर वांट्स टू मेक श्योर अल्टीमेटली एआई इज देयर टू बेनिफिट द पीपल ऑफ इंडिया। दिस इज इंडियाज मोमेंट, यू हैव टू सीज द अपॉर्चुनिटी। We are expanding our manufacturing capabilities in India. We have already a large research-based center in India. We plan to grow that. It's an exciting time. He clearly wants to have India front and center in progress of technology. Prime Minister is a very bright man. जब हम ग्लोबल फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच सर्वप्रथम होनी चाहिए। सक्सेस ऑफ ह्यूमैनिटी लाइज इन अवर कलेक्टिव स्ट्रेंथ, नॉट इन द बैटल फील्ड। और वैश्विक शांति एवं विकास के लिए ग्लोबल संस्थाओं में रिफॉर्म्स आवश्यक है। रिफॉर्म इज द की टू रिलेवेंस। मैं जोर देकर कहूंगा कि ग्लोबल एक्शन मस्ट मैच ग्लोबल एम्बिशन।